हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रईसा की प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए, अजमा के पापा अजमा का दिल बहलाने के लिए यहाँ पर यूट्यूब लगाकर उसको, मतलब यूट्यूब में जो भी उसको चाहिए वो लगाकर दे रहे थे और जो भी मूवी उसको चाहिए थी वो लगा रहे थे। अचानक से उनको मेरा चैनल दिखा तो यहाँ पर वो सर्च करके मेरे जो पुराने वाले घर के जो ब्लॉग्स हैं वो दिखा रहे थे और ख़ुद भी देख रहे थे और मुझे प्राउड भी फील हो रहा था। अचानक से मैं यहाँ पर धीरे से देख रही थी कि वो क्या कर रहे हैं दोनों, और अच्छा भी लग रहा था क्योंकि अपनी फैमिली जब टीवी पे हमें देखना चाहती है तो अच्छा लगता है, मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो वही यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा था। अचानक से उन्हें पता चल गया कि मैंने यहाँ पर कैमरा उठाकर वीडियो बना रही हूँ, तो वो आ गए थे मुझे डांटने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हो चुकी है अगली सुबह यानी कि मंडे। तो फिर संडे मैंने बनाया था इडली सांभर और वड़े। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे जो है मैं बैटर थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लेती हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे वही बैटर काम आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा सांभर रखा हुआ था, तो अजमा और अजमा के पापा के लिए मैंने सांभर चटनी वगैरह रख ली थी। थोड़े से जो एक्स्ट्रा हमारे पास इडली का बैटर था यानी कि हम सबके लिए ही था, लेकिन जो सांभर है वो नहीं बचा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज बना लेते हैं इडली चिल्ली की रेसिपी, जो कि आपके साथ शेयर भी करना था मुझे। और कई लोगों को पता भी होगा, कई लोग नहीं भी जानते होंगे कि इडली चिल्ली की भी कोई रेसिपी होती है, तो आज मैं बना रही हूँ तो चलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सारे जो इंग्रीडियंट्स हैं वो तैयार हैं। यहाँ पर मैंने कैप्सिकम को कट कर लिया है, दो हरी मिर्चें ली हैं उनको भी काट लिया है, यहाँ पर प्याज ली है इनको भी क्यूब्स में कट करके मैंने सारी प्याज को खुला कर लिया है, यहाँ पर जूलियन अदरक ली है और लहसुन के 10 से 12 कलियाँ ली हैं जिनको मैंने बारीक फाइन चॉप कर लिया है, और मैंने लिया था स्वीट कॉर्न। आप चाहे तो गाजर आपके पास हो तो ले सकते हैं, मेरे पास गाजर नहीं था तो मैंने नहीं लिया है। गाजर अगर हो तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा, मेरे पास नहीं था। और यहाँ पर हरी मिर्च का मैंने पेस्ट निकाल के रखा है, जो हमारे पास पीस कर रखा हुआ अवेलेबल हमेशा रहता है वो मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए टमाटो केचप मैंने लिया है, यहाँ पर पेरी पेरी का सॉस भी मेरे पास रखा हुआ था वो भी मैंने ले लिया है, विनेगर लिया है, सोया सॉस लिया है। इसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा, बस इसके अलावा लगेगा हमें जो कॉर्नफ्लावर आटा होता है वो, तो अभी वो मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि मैं भूल गई थी। यहाँ पर देखिए सांभर जो है थोड़ा सा बचा था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज इडली चिली बना लेते हैं। वैसे ये जो रेसिपी अजमा के पापा हमेशा बनाते हैं, आज मैं पहली बार ही बना रही हूँ। चिली बनाने के लिए सबसे पहले जो इडली है उनको हमें हल्का सा फ्राई करना है, शैलो फ्राई कर लेना है, जितना आपको क्रिस्प रखना है आप रख सकते हैं, ज़्यादा या कम ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेते हैं सारी जो इडलियाँ मैंने कट करके रखी है उसको। जब हम इन इडलियों को पलटाएंगे, उलट पलट कर सेकेंगे, फ्राई करेंगे, तो तब हमें बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि ये जो इडलियाँ होती हैं ना एकदम जल्दी से खुल जाती हैं, तो ध्यान से हमें उलट पलट कर फ्राई कर लेना है। तो हमारी जो इडलियाँ हैं वो अच्छे से सिक चुकी हैं, तो अभी हम इसी तरह से सारी जो इडली के पीसेज हैं हमने कट करके रखे हैं वो सारे ही फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो इडली है ना वो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही कंज्यूम कर लेती हैं, मतलब जो ऑयल है वो ज़्यादा अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं, तो उनको ऑयल बार बार डालना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने रख दी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, उसमें डाल रही हूँ कटे हुए लहसुन। लहसुन को हल्का सा रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज जो हमने क्यूब्स में कट करी थी, और साथ में हरी मिर्च को भी मैं डाल दूँगी, और इन दोनों को अच्छे से फ्राई करना है हमें। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है, क्रंची ही रखनी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए कैप्सिकम, तो कैप्सिकम को ऐड करने के बाद में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे पास जो स्वीट कॉर्न है वो, थोड़ा सा पहले हम फ्राई करेंगे फिर बाद में डालेंगे स्वीट कॉर्न, तो स्वीट कॉर्न को ऐड करने के बाद हम इसको फिर से फ्राई करेंगे। तो अभी हम इसमें डालेंगे सारे सॉसेस, तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सोया सॉस डाला है, 1 चम्मच मैंने विनेगर डाला है, तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जो पेरी पेरी सॉस रखा था वो डाल दिया, आधा चम्मच मैंने हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया, 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने जो टमाटो केचप था वो डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था, उसमें 2 टेबलस्पून के करीब पानी को ऐड करके मिक्स करके रखा था वो डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, और अब यहाँ पर मैंने पानी को ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी यहाँ पर थोड़ा सा नमक, जितना आपको लगे,
और नमक को ऐड करने के बाद यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर इसमें ऐड कर देंगे जो फ्राई करके रखी थी इडलियाँ वो, और इसको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रखें कि इडलियाँ जो है फटे नहीं, और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इससे पहले यहाँ पर ऐड करेंगे जो हमने अदरक कटी हुई रखी थी, जूलियन में काट के रखा था वो ऐड करेंगे, और हमारे जो गर्मा गर्म इडली चिल्ली है बनके तैयार हो जाती है। आप इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए, गर्मा गर्म ही खाना चाहिए, वरना ये जो इडलियाँ हैं सारे सॉस को अच्छे से ऑब्जॉर्ब कर लेंगी और आप इसको अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो गर्मा गर्म ही खाना है। हमारा सारा जो ब्रेकफास्ट है बनके तैयार है। यहाँ पर वड़ा भी मैंने बनाया था, इडली चिल्ली भी बनी थी, और हमारे घर में बना था जो इडली सांभर है वो भी मैंने ले लिया था। अभी यहाँ पर देखिए दोपहर का टाइम है और अजमा जो है मतलब लो फील कर रही थी। उसको पता नहीं क्यों उसका सर दर्द जो है नहीं कम हो पा रहा है, खांसी भी बहुत ज़्यादा है। तो वही थोड़ा सा यहाँ पर मैं उसको बहला रही थी कि उठ जाओ, क्योंकि वो सोकर रहती है तो अच्छा नहीं लगता है। घर में जब बच्चे खेल कर खेलते हुए हंसते हुए रहें तो अच्छा लगता है। दो तीन दिन चार दिन से मैं यही उसका हाल देख रही थी। तो ये जो दिन है मंडे का दिन था और बहुत ज़्यादा वो लो फील कर रही थी, तो हमने इसको स्कूल भी नहीं भेजा, ट्यूसडे भी नहीं भेजा। आज जब मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी, आज जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो दिन है वेनसडे का, तो यहाँ पर अजमा स्कूल जा चुकी है। और ये दो जो है ट्यूसडे के दिन मैंने सुबह सुबह उठते के साथ ही हमारा जो कूजा है उसको निकाला और धो लिया अच्छे से, और अब मैं इसको यहाँ पर नहीं रखूँगी किचन में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी, बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा फंगस आने लग गया था। तो मैंने सोचा कि इसको हटा ही देते हैं, अभी नहीं रखते हैं। मुझे अगले साल जब गर्मी का सीज़न होगा तब मैं इसको निकालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंगस आ रखा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पर अभी मुझे पूरा अच्छा स्पेस मिल गया। मैं यहाँ पर जो हमारा खलबत्ता है वो रख रही थी, तो अभी मुझे यहाँ पर पूरा अच्छे से स्पेस मिल गया जो भी कुकिंग होगी वो बर्तन रखने के लिए, तो अच्छा भी लगेगा। तो खुला खुला होना तो अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर कूजा हुआ करता था कूजे को हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पर नहीं सेट हो पा रहा था। और कूजे में पता नहीं कैसे जो कुर्जे का ऊपर का टॉप होता है उसमें हल्के से कीड़े जैसा लग रहा था मुझे, और फंगस बहुत ज़्यादा आने लग गया था। तो मुझे लगा कि नहीं भाई अब नहीं रखते हैं, उठा के निकाल देते हैं, तो मैंने निकाल दिया है। और हमारे जो सारे जो कंटेनर्स हैं अभी माशाल्लाह से अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि उसमें ग्रोसरी आ गई है। तो मंथली जब ग्रोसरी आती है तो कंटेनर्स अच्छे लगने लग जाते हैं, क्योंकि भरे भरे से हो जाते हैं। मैं इनको क्लीन भी कर लेती हूँ तो अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर दो डिब्बे जो खाली हैं, मैं कुछ रहता था उसमें, मैं भूल गई हूँ मंगवाना, तो जब अजमा के पापा लाएंगे तो वो भी फिल कर लेंगे। और सारी चीज़ें इस तरह से मैंने सेट कर दी है। हमारा जो खलबत्ता है, जो नाइफ वाला स्टैंड है, चाकू का स्टैंड, हमारा खलबत्ता यहाँ पर आ गया। बाकी जो चीज़ें थी वो यहीं पर थी, और ये जगह यहाँ पर इन चीज़ों के लिए सही है। और आज मैंने जैसे ही पानी भरा सब कुछ किया, तो अचानक से हमारा जो डायरेक्ट पानी होता है वो चला गया था। देखते हैं आया है नहीं, तो आ गया है, तो एकदम से चला गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है वेनसडे और यहाँ पर मैंने पुदीना जो है कट करके रख लिया है, क्योंकि आपा को चाहिए था। और आपा मुझे घर में पूछ रहे थे कि फ्रिज में अगर पुदीना होगा तेरे पास तो मुझे दे देना, तो वैसे तो मेरे फ्रिज में पुदीना नहीं था। तो फिर मुझे अचानक से आइडिया आया कि हाँ, मैंने जो ऑर्गेनिक जो पुदीना उगाया है तो वो आपा को दे देते हैं। आपा से कहा कि मेरे पास उगाया हुआ है, छोटू सा मेरा जो गार्डन है उसमें से निकाल कर दे देती हूँ। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है जब आप घर में पुदीना या फिर धनिया इस तरह से उगाते हो, तो ख़ुद के लिए भी काम आ जाता है, कोई अगर मांगे तो उनको भी दे सकते हैं। तो आपा को चाहिए था तो यहाँ पर मैं दे रही हूँ, और बहुत ही अच्छे से माशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रोथ हो गई थी इसकी। आप देख ही सकते हैं कितना फ्रेश और ताज़ा ताज़ा है, तो इसी वजह से आपा को दे रही हूँ। और यहाँ पर हसीनापा नहीं आ रहे हैं दो दिन के लिए, क्योंकि हसीनापा बीमार पड़ गए हैं, उनको सर्दी खांसी हो चुकी है, तो इसी वजह से वो चाहते थे कि थोड़ा सा रेस्ट करें। तो यहाँ पर हमने पिछले बार जब हसीनापा नहीं थे, गांव गए थे, तो मैंने इन्हीं को लगाया था। तो फिर यहाँ पर आपा और हमारे घर के लिए इनको दोनों घरों के लिए लगा दिया है फिर से। तो आपा ने कहा कि लक्ष्मी के हाथ से भेज देना, तो यहाँ पर इसी वजह से तोड़ लिया है पुदीना। अब जो लक्ष्मी है वो लेकर जाएंगी। और यहाँ पर मैं अजमा के पापा से पूछ रही थी कि ये ईयरफोन जो है यूज़ में आएगा या फिर इसको फेंकना है, क्या करना है, तो वही हमारी बातें चल रही है, साथ में काम चल रहा है, लक्ष्मी आई हुई है। तो
तो देखिए फ्रेंड्स, कल से जो है अजमा के पापा दोपहर में जब घर आए, तो मतलब जैसे वो आते हैं शॉप से, तो वो घर आए तो फिर उन्हें लग रहा था कि हल्का सा उन्हें बुखार है, वो बोल रहे थे मुझे बुखार जैसा फील हो रहा है, फीवर लग रहा है। तो फिर मैंने चेक किया तो वैसे मुझे नहीं लगा, फिर बाद में जब मैंने टेम्परेचर चेक किया तो फिर उन्हें बुखार था, तो फिर 102 के करीब था वैसे उनका, हाँ अंदर से उनको बुखार था। तो फिर जैसे मैंने टच करके देखा तो फिर बुखार नहीं था, तब जब मैंने टेम्परेचर लगाया तभी उनको बुखार था, तो 102 था। आपा ने कॉल पे बताया भी कि चेक कर लेना टेम्परेचर, तो फिर मैंने चेक किया तो बुखार था उन्हें। तो कल से वो रेस्ट पे हैं, घर में ही हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको अभी ये जो वायरल है सबको होने लगा है, घर में किसी एक बंदे को आ जाता है तो सबको आ जाता है, तो सबको अभी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक दो हफ्ते से सुन ही रहे हैं, हर कोई बीमार पड़ रहा है, हसीना पा भी बीमार पड़ चुके हैं, और कल रात से फरीक को भी आया है, मतलब कल रात के 3 बजे से फरीक, यानी मेरा जो बड़ा वाला भांजा है आपा का बड़ा जो बेटा है उसको भी। तो फिर एक घर में किसी बंदे को आ जाता है तो सबको फैल जाता है, तो ध्यान रखिए, ख्याल रखिएगा। तो वही था आज का मेरा ये ब्लॉग, यही तक का था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।